हेलो गाइस, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज आपके सामने एक और नए ट्रेन की इंफॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ, जैसे इसमें साइड बफर क्या होता है। तो सभी ने जर्नी के दौरान इस तरह के कुछ देखे होंगे, इसको सब मैग्नेट समझते हैं, लेकिन ऐसा ये नहीं है। आमतौर पे इसको हम कह सकते हैं स्प्रिंग की तरह ये काम करता है, इसको इंग्लिश में साइड बफर कहते हैं। मेन जो बीच में आप जो देख रहे हैं उसे कपलिंग कहा जाता है, इसी से ट्रेन को कनेक्ट किया जाता है। और नीचे से जो पाइप है वो प्रेशर पाइप है, जिससे ब्रेक को कंट्रोल किया जाता है। जब इसके अंदर प्रेशर डाला जाता है तब ट्रेन चलने लगती है, और जब इसमें से पूरा प्रेशर रिलीज हो जाता है, जब आप स्टेशनों पर देखे होंगे जब ट्रेन रुकती है तब उसमें से आवाज़ आती है, तो वो यही प्रेशर रिलीज होने की आवाज़ होती है, जिससे ट्रेनों के ब्रेक सिस्टम काम करते हैं और ब्रेक लग जाता है। प्रेशर रिलीज होने पर ब्रेक लगता है, ये याद रखिएगा। और इसको हम कहते हैं साइड बफर। जब भी स्टेशन पर ट्रेन या कहीं पर भी ट्रेन रुकती है तो ये आपस में दोनों ऐसे प्रेस होकर अलग हो जाते हैं। तो ट्रेन इस पर इसकी खासियत ये है कि जब भी ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो वो एक दूसरे पे नहीं चढ़ेगी। आपने देखा होगा कि स्टेशन में जब ट्रेन रुकती है तो थोड़ा आगे जाके फिर बैक आती है, तो वो इसी के कारण ट्रेन बैक होती है, तो इससे दुर्घटना नहीं होती है, इसलिए इसको लगाया गया है। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि ये मैग्नेट है तो ऐसा बिल्कुल आप गलत सोच रहे थे, ये साइड बफर कहा जाता है इसको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।